नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन पढ़ रहे थे। ऊर्जा के संसाधन में हमने जो गैस आधारित परियोजनाएं उनके बारे में कंप्लीट जान लिया, और आज ही क्लास के अंदर हम जानेंगे केंद्रीय ताप परियोजना। केंद्रीय ताप परियोजना कौन से राज्य के अंदर है और उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है, उनके बारे में आज ही क्लास में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो हम राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन पढ़ रहे थे उनको लेकर आज की क्लास हमारी अंतिम क्लास है। इसके बाद में हम जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम केंद्रीय ताप परियोजनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन। राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन पढ़ रहे थे। ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा के संसाधन को लेकर आज हमारी अंतिम क्लास है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केंद्रीय ताप परियोजना। केंद्रीय ताप परियोजना, केंद्रीय ताप परियोजनाओं के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। केंद्रीय ताप परियोजना कौन से राज्य के अंदर संचालित है और उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है, उनके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। पहली परियोजना है सिंगरौली परियोजना, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। पहली परियोजना है सिंगरौली परियोजना। सिंगरौली परियोजना कौन से राज्य में संचालित है? सिंगरौली परियोजना है उत्तर प्रदेश के अंदर। सिंगरौली परियोजना कौन से राज्य में? सिंगरौली परियोजना है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसमें राजस्थान का हिस्सा है मात्र 15%। इसमें राजस्थान का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा। सिंगरौली परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15% हिस्सा है सिंगरौली परियोजना में राजस्थान का। राजस्थान का 15% हिस्सा है सिंगरौली परियोजना के अंदर। हमारी अगली परियोजना है रिहंद परियोजना। अगली परियोजना कौन सी? अगली परियोजना है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर है। रिहंद परियोजना कहाँ पर है? रिहंद परियोजना है उत्तर प्रदेश के अंदर। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर है। जो ये रिहंद परियोजना है इसकी स्थापना दो चरणों में की जाती है। रिहंद परियोजना की स्थापना कितने चरणों में की जाती है? रिहंद परियोजना की स्थापना दो चरणों में की जाती है। प्रथम चरण में राजस्थान का हिस्सा है 9.5% और द्वितीय चरण में राजस्थान का हिस्सा है 10%। प्रथम चरण में तो 9.5% राजस्थान का हिस्सा है और द्वितीय चरण में 10% राजस्थान का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर है। प्रथम चरण में 9.5% हिस्सा था राजस्थान का और द्वितीय चरण में राजस्थान का हिस्सा है 10%। अगली परियोजना है सतपुड़ा परियोजना, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। अगली परियोजना है सतपुड़ा परियोजना। अगली परियोजना कौन सी है? अगली परियोजना है सतपुड़ा परियोजना। सतपुड़ा परियोजना मध्य प्रदेश के अंदर है। सतपुड़ा परियोजना कहाँ है? सतपुड़ा परियोजना है मध्य प्रदेश के अंदर और इसमें राजस्थान का हिस्सा है 10%। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 10%, राजस्थान का हिस्सा। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 10%। सतपुड़ा परियोजना मध्य प्रदेश के अंदर है और इसमें राजस्थान का हिस्सा है 10%। अगली परियोजना है ऊंचाहार परियोजना। अगली परियोजना कौन सी है? अगली परियोजना है ऊंचाहार परियोजना। ऊंचाहार परियोजना हमारी अगली परियोजना है ऊंचाहार परियोजना। ऊंचाहार परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर है। ऊंचाहार परियोजना कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसमें राजस्थान का हिस्सा है 7%। राजस्थान का हिस्सा है 7%। ऊंचाहार परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? ऊंचाहार परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है 7%। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के संसाधन में हमने केंद्रीय ताप परियोजना पढ़ रहे थे। केंद्रीय ताप परियोजना में सिंगरौली परियोजना पढ़ा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। सिंगरौली परियोजना कहाँ है? सिंगरौली परियोजना है उत्तर प्रदेश के अंदर। सिंगरौली परियोजना से राजस्थान का हिस्सा है 15%। पूछे सिंगरौली परियोजना से राजस्थान का कितना हिस्सा है? 15% हिस्सा है राजस्थान का। अगली परियोजना पढ़ा रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना है उत्तर प्रदेश के अंदर।
रिहंद परियोजना कहां पर है? रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर जो रिहंद परियोजना है इसकी स्थापना दो चरणों में की जाती है। प्रथम चरण में राजस्थान का हिस्सा 9.5% और द्वितीय चरण में राजस्थान का हिस्सा 10%। अगली परियोजना पड़ा सतपुड़ा परियोजना। सतपुड़ा परियोजना मध्य प्रदेश के अंदर है और इसमें राजस्थान का हिस्सा 10%। अगली परियोजना पड़ा हमने ऊंचाहार परियोजना जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ऊंचाहार परियोजना कहाँ पर है? ऊंचाहार परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर और इसमें राजस्थान का हिस्सा मात्र 7%। यहां तक देखो। नेक्स्ट हम आणविक ऊर्जा के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हम आणविक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। आणविक ऊर्जा, नेक्स्ट हम आणविक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। आणविक ऊर्जा में हम राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान परमाणु, राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह, परमाणु विद्युत ग्रह राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसकी स्थापना की जाती है 1965 के अंदर, और भी किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से स्थापना की जाती है। स्थापना 1965 में की जाती है किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। जो राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है इसकी स्थापना 1965 में की जाती है कनाडा के सहयोग से, और इससे विद्युत उत्पादन प्रारंभ होता है वर्ष 1973 से। विद्युत उत्पादन प्रारंभ होता है, विद्युत उत्पादन प्रारंभ कब से होता है? वर्ष 1973 से विद्युत का उत्पादन प्रारंभ होता है राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह से। नेक्स्ट है बांसवाड़ा परमाणु प्रोजेक्ट। नेक्स्ट कौन सा है? बांसवाड़ा परमाणु प्रोजेक्ट कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। बांसवाड़ा के अंदर है। हम आणविक ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे। आणविक ऊर्जा में राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इसकी स्थापना की जाती है 1965 में कनाडा के सहयोग से। विद्युत उत्पादन प्रारंभ होता है वर्ष 1973 से। नेक्स्ट हमने बांसवाड़ा परमाणु प्रोजेक्ट जो बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। धन्यवाद।